कैसे हो आप? अच्छे हो ना? आज मेरा इच्छा कर रहा है क्या आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने का? कैसा व्यक्ति? मान लो आपके घर पर जो है ना, एक अतिथिगण आपके घर पर पहुंच गए, ठीक है? आपको तो पता ही होगा, कभी कभी कोई अतिथि ऐसा आता, अगर उसको आपके पिताजी बोल दिए, हाँ जी मेरी बिटिया से जो है कोई सवाल पूछिए, अब यहाँ पर मेरी प्यारी बहना तो परेशान, अब इनसे सवाल पूछा जाएगा। ये अतिथिगण सोच रहे हैं अब क्या सवाल पूछा जाए। थोड़ा सा बिटिया को देखे, मेरी प्यारी बहना को देखे, अरे लगता है इसे हल्का फुल्का ही सवाल पूछना ठीक रहेगा। अब इसके मन में जो है काफी सारा सवाल जो है आने लगा, हाँ कौन सा सवाल पूछा जाए। तो इन्होंने आपसे एक प्यारा सा सवाल पूछा, वो सवाल सुनोगे? और जब ये सवाल पूछे ना, थोड़ा जवाब भी दे देना आप। क्या कम से कम ये तो पता होना चाहिए इनको कि आप किनके पास पढ़ते हो ऐसा नहीं, क्योंकि आपके जवाब से ये पता चलेगा कि हाँ मैंने आपको कैसा पढ़ाया, कितना पढ़ाया। तो कृपया करके सही सही और अच्छे से जवाब देना है आपको। अब यहाँ सुनोगे, समझोगे, जानोगे और जवाब देने का प्रयास करोगे। हाँ जी पूछिए आप। तो इन्होंने आपसे पूछा पहला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा, कि अगर साथ में हम 5 घटा दिए तो संख्या रेखा के आधार पर आप बना के बताओ कि रिजल्ट कितना होगा। तो आपने सुना संख्या रेखा, तो संख्या रेखा तो आपको आता ना, संख्या रेखा तो मैंने आपको बताया नहीं है। तो फटाफट आप जो है मेरे पास दौड़े भागे, हमारे पास आए, भैया जी हमें संख्या रेखा बताइए। तो सुनो संख्या रेखा है क्या? संख्या रेखा सिंपल सा, एक पहले रेखा खींच लेंगे, संख्या रेखा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संख्या का इंग्लिश क्या होता बताओगे भैया? संख्या को हम लोग नंबर कहते और रेखा को हम लोग लाइन कहते, तो हो गया ना नंबर लाइन। हाँ जी, अब नंबर लाइन में अर्थात ये ऐसा रेखा है जिस पर हम लोग संख्या को डिनोट करते हैं, नंबर को डिनोट करते हैं। किस प्रकार का नंबर रहेगा? पहले एक बीच में हम लोग जीरो ले लेंगे, जीरो के इस साइड प्लस वाला नंबर आएगा और जीरो के इस साइड माइनस वाला नंबर होगा। जैसे कि मान लो इधर मेरा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड 5 हो गया, 6 हो गया, और जीरो के लेफ्ट साइड मेरा -1, -2, -3, -4, -5। इस प्रकार से हम लोग संख्या रेखा को दर्शाते। आप भी एक बार इनको अच्छे से देख लो, ये संख्या रेखा किस प्रकार से दर्शाते। अब यहाँ पर है 7 -5, इस संख्या रेखा पर 7 कहाँ पर है इसको खोजोगे, ढूंढोगे, ढूंढने का प्रयास करोगे। भैया सुनिए ना, एक बार फिर से हमको बताइए, ठीक? पहले आप जो है ना, मैं आपको 5-6 संख्या देता हूँ, ठीक है? आपको वो संख्या बताना है, संख्या कहाँ है। पहला क्वेश्चन, आप 7 कहाँ है ये ढूंढ के बताओगे, 0 कहाँ है ये ढूंढ के बताओगे, -1 कहाँ है ये ढूंढ के बताओगे, -7 नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, -4 कहाँ है ये ढूंढ के बताओगे। भैया इतना सारा संख्या हमको ढूंढ के बताना? हाँ जी ढूंढ के बताना है आपको। चलिए भारी नहीं देते, अभी हल्का ही रखते हैं आपको। क्या 7 क्वेश्चन है आपके सामने, 7 संख्या को आपको ढूंढ के बताना है कहाँ पर है संख्या। चलो पहले 7 को ढूंढते, एक ही संख्या रेखा बनाओगे ऐसा नहीं, सबके लिए अलग अलग बनाएंगे आप, कम से कम सबके लिए अलग अलग बनाओगे ना, सीखोगे कम से कम। पहला क्वेश्चन है 7 को हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है। पहला नंबर क्वेश्चन दे दिए 7, 7 को संख्या रेखा पर दर्शाना, यहाँ संख्या रेखा बना लेंगे, ढूंढो तो 7 कहाँ पर है। ओ भैया सुनिए ना, हमका 7 ना दिखत है, 7 ना दिखत है मतलब यहाँ 6 तक गया है, 7 नहीं लिए, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर 7 भी लेंगे। इस तीर का मतलब हुआ इसको आप जहां तक चाहो वहां तक बढ़ा सकते हो, इस तीर का मतलब है इसको पीछे जहां तक चाहो वहां तक आप बढ़ा सकते हो। तो 7 यहाँ पर दिख रहा है, इसको बस ऐसे घेर देना, ये मेरा 7 यहाँ पर आ चुका है, बस यही आपको काम करना है। अच्छा भैया समझ में आ गया, समझ में आ गया हमको, एक तीर का निशान दे दोगे तो वो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग तीर के निशान के तहत आगे सीखने वाले। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 0, अब 0 कहाँ पर है संख्या रेखा में दर्शाओगे। भैया संख्या रेखा तो अभी तुरंत खींचना ही हम लोग सीखे हैं, आप तुरंत दर्शाने के लिए भी कह दिए, हाँ ये तो गलत ना। 0 के इस साइड क्या होता, प्लस में रहेगा 1, 2, 3, 4, और 0 के इस साइड मेरा माइनस के फॉर्म में रहेगा -1, -2, -3, -4। हमको 0 दिखाना है, हम ढूंढेंगे 0 कहाँ पर है, तो 0 बीच में दिख रहा था, 0 को यूं घेर देंगे और इसके ऊपर एक तीर लगा देंगे। हाँ जी ये मेरा 0 हो गया। अच्छा बातें समझ में आ रही है, इसमें और कौन सा बता दे, इसमें एक -1 का बता देते, उसके बाद आपको सारा का सारा खुद से बनाना है, ठीक है भैया खुद से बना लेंगे। पहले -1 का बताइए, संख्या रेखा कम से कम आप खींचना सीख जाओ, ठीक है मेरा यही इच्छा है, पहले संख्या रेखा खींचो तो सही, तब इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। अभी आपने स्टार्ट ही किया है संख्या रेखा, क्या भैया समझ में आ गया। अब यहाँ देखते हैं -1 कहाँ है ये ढूंढेंगे, तो -1 भैया यहाँ पर है -1, तो -1 को यूं घेर देंगे, ठीक है। अच्छा ये सब तो हो गया, ये समझ में आ गया आपको, जल्दी से इन सारे क्वेश्चन को बनाओ।
सात क्वेश्चन अभी हुआ है, स्पीड अब स्पीड टेस्ट नहीं, ये आपका सेल्फ टेस्ट है, खुद से बनाना है आपको, ठीक है। अब जितना बचा वो खुद से बनाओगे आप, बन गया होगा, हाँ भैया जी बन गया है। चलो आगे चले हम लोग, चलते हैं आगे, इसमें कौन सी समस्या है। अगेन ये सब तो हो गया, अब यहीं पर इसी सवाल में अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा, नंबरिंग आप खुद से करोगे, मैं नंबरिंग नहीं करने वाला, ठीक है, आपको नंबरिंग खुद से करना, कितना क्वेश्चन हुआ मैं क्यों लिख देता हूँ, बाकी आपको क्वेश्चन जो है चेंज करते रहना है और वो आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, अगर हम बोलेंगे सेवन में आप दो घटाओ, जीरो में तीन जोड़ो, एक में जो है तीन जोड़ दो, चार में जो है माइनस चार में जो है दो घटा दो, दो में जो है एक घटाओ, माइनस दो में माइनस तीन घटा दो, माइनस तीन में प्लस प्लस पांच करो, इसको किस प्रकार के करोगे वो समझो। हम पहला क्वेश्चन लेते, उसको देखते समझते तब आगे चलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, सेवन माइनस दो, तो यहां से मेरा क्वेश्चन हो गया सेवन माइनस दो। अब अपने आप को थोड़ा शांत कर लोगे, भैया हम तो शांत ही है, हाँ अब कितना शांत हुए। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे, इसको हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है, इस सेवन माइनस टू को यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कृपया करके अपने आप को शांत कर लेना है और सारा ध्यान आपको यहाँ पर देना है। यहाँ आप देखोगे तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर स्टार्टिंग में पहले सेवन आया हुआ है, तो पहले हम सेवन को डिनोट करेंगे, तो सेवन को हम डिनोट यहाँ कर दिए, सेवन यहाँ पर डिनोट कर दिए। इसके बाद है माइनस, माइनस का मतलब होता है इस साइड आना, हम इस साइड आएंगे माइनस का मतलब हुआ, और प्लस का मतलब हुआ हमको इस साइड जाना है। अभी तुरंत हम लोग देखे जीरो के इस साइड प्लस था और जीरो के इस साइड माइनस था ना, हाँ भैया ये तो हम जाने, एक बार हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करते, इस बार आप समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है। देखो समझना, माइनस है ना, तो तुम आप बताओगे सात के किस तरफ माइनस है, सात के इस तरफ माइनस दिख रहा है या फिर सात के उस तरफ माइनस दिख रहा। तो भैया सात की इस तरफ तो कुछ दिखत ही ना हमको, हमने बताया था इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, आप आठ नौ दस जो लिखना है आप लिख सकते हो। एक बार फिर से मेरी बातों पर आप ध्यान दोगे, सात के इस तरफ माइनस है या फिर सात के इस तरफ माइनस है, तो आप बोलोगे भैया हम सात के इस तरफ देख रहे हैं तो माइनस दिख रहा, अर्थात माइनस में हमको इस तरफ आना है, दिमाग में इसको बैठा लेना। अब दो है, हम दो कदम इधर आएंगे, ठीक है, तो देखते हैं और हम लोग वहां से बढ़ते हैं। देखो यहाँ से सात को छोटी गिनेंगे, एक दो पांच पर पहुंचे ना, तो यहाँ से तीर का निशान देते हुए नीचे गिरा देना, इधर आए हैं और यहाँ पर आ गए, ठीक है, इस तरह आपको समझना है। तो हम लोग किसके पास पहुंच गए, पांच के पास पहुंच गए, हाँ जी, इस पांच को घेर देना है, मेरा रिजल्ट क्या हो गया, फाइव रिजल्ट हो गया। तो यहीं पर बराबर दे करके हमको फाइव भी लिख देना, देखो रिजल्ट मेरा फाइव हुआ है ना, हाँ भैया समझ में आया। एक जीरो प्लस थ्री का देखते हैं, जीरो प्लस थ्री, चलो अब यहां ध्यान दो, यहां पर ध्यान दें, हाँ जी यहां प्लस कहा गया ना, तो देखो जीरो के इस साइड माइनस है कि जीरो के इस साइड माइनस है, तो भैया हमको प्लस देखना माइनस ना देखना, तो सोचो तरीके जीरो के इस साइड में प्लस है कि जीरो के उस साइड में प्लस है। तो हमेशा आपको बताए हैं जब भी माइनस रहेगा तो हमको इस साइड चलना है, जब भी प्लस रहेगा तो हमको इस साइड चलना है, इधर हम प्लस की तरफ चलेंगे, आगे जा रहे हैं तो प्लस की तरफ, वापस घूम करके पीछे आएंगे तो माइनस की तरफ। एक बार फिर से समझो, आगे चलेंगे तो प्लस की तरफ, पीछे आएंगे तो माइनस की तरफ, पीछे आ रहे हैं तो माइनस, आगे चलेंगे तो प्लस। यहाँ प्लस है इसका मतलब हमको आगे चलना है, यहाँ थ्री कहा गया है ना, तो थ्री स्टेप हमको आगे चलना है, गिनो यहाँ से गिनती करो वन टू थ्री, हमको थ्री पर आना है, तो यहाँ से थ्री पर पहुंच गए, इधर आए थे इधर का तीर लगा देंगे, फाइनली हम लोग थ्री पर पहुंच गए, थ्री पर इसे घेर दो, ठीक है, रिजल्ट मेरा थ्री हो गया, तो बराबर दे के थ्री कर दी। वैसे भी आप जानते हैं जीरो प्लस थ्री मेरा थ्री होता है, जानते हो ना, हाँ भैया ये तो जाना थे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइनस वन प्लस थ्री, माइनस वन प्लस थ्री, अब हम लोग माइनस वन से किधर चलेंगे वो देखो, अब यहां समझना सीखो, ठीक है, पहले माइनस वन है ना, तो माइनस वन पर एक हम लोग जो है तीर का निशान दे दिए ऊपर की तरफ, माइनस वन पर अभी है, फिर यहाँ प्लस कहा गया है, हम सीखे हुए हैं प्लस बोला जाएगा तो इधर जाना है, माइनस बोला जाएगा तो इधर आना है, यहाँ प्लस बोला गया है तीन में, तीन कदम आगे चलो, एक दो तीन, हम लोग दो तक पहुंचेंगे, दो तक पहुंच गए, बस यहाँ दो तक पहुंचे, दो को घेर देंगे, बराबर देखिए दो लिख लो, प्लस में तो आया, प्लस छिपा हुआ है आगे में, आप देना चाहते हो दे सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब ये सब जो क्वेश्चन है वो खुद से बनाओगे, नहीं बनेगा यहाँ तक पहले बनाओ, अगर नहीं बना तो पूछोगे, यहाँ तक बनाना है पहले आपको, नहीं बनेगा तो पूछना है, ठीक है, पहले बनाओ, नहीं बनेगा तो पूछना भी है आपको। चलो जल्दी से बनाओगे आप इसको, बन गया होगा, हाँ यह बन चुका है। अब हल्दी हल्दी इसके आगे की कहानी हम लोग स्टार्ट करते भैया अभी आगे कहानी भी होगी,
देख लो, मजाक नहीं करना, पहले बनाना है फिर आगे बढ़ना है। जल्दी से नहीं बनाए तो पहले वीडियो रोको और बनाओ, वो काम नहीं। और घर में जाके बना लेंगे ना, वो काम नहीं करना यहाँ पर। ओके, पहले बनाना है आपको, उसके बाद आगे बढ़ना है। चल इसी क्वेश्चन में और हम चेंजेस करते हैं। अगर यहाँ प्लस वन रहा, यहाँ प्लस टू रहा, यहाँ माइनस वन हो गया, यहाँ प्लस सिक्स हो गया, यहाँ प्लस टू हो गया, यहाँ प्लस एट हो गया, यहाँ माइनस वन हो गया, अब कैसे बनाएंगे? अब इसको देखना, इस सब को मिटाओ, जितना तीर का निशान था सब मिटेगा, अब फिर से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है? अब यहाँ ध्यान दोगे, क्वेश्चन अब चेंज हो गया। पहला नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 7 माइनस 2 प्लस 1। अपने आप को थोड़ा सा और शांत करो, क्योंकि अगर ध्यान भटकेगा तो समझ नहीं पाओगे, ठीक है? पहली पहली बार आप ये सीख रहे हो, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज भी करेगा, थोड़ा आपका माइंड अगर डाइवर्ट हुआ तो वो सब आप समझ, मतलब दिमाग से परे हो जाएगा। कृपया करके, आपको परी बनना है पापा की ना, परा नहीं बनना, इसलिए ध्यान दो यहाँ पर। हाँ जी, हम कहाँ पर थे? 7 माइनस 2 प्लस 1, 7 माइनस 2 प्लस 1 है। ओके, अब स्टार्टिंग में क्या है, प्लस 7 है ना, तो 7 कहाँ पर है भैया? 7 यहाँ पर है, यहाँ से एक तीर का निशान ऊपर लेके चलेंगे, ठीक है? उसके बाद माइनस है, माइनस का मतलब होता है हमको इधर आना है, कितना है, 2 कदम इधर आना है, यहाँ 2 है ना, 2 कदम इधर आओ, 1 2 5 तक पहुंचे तो पहले हम 5 तक पहुंच जाएंगे। यहाँ तक आप जानते हो, इसके बाद आपको सीखना है, इसके बाद आपको अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान भटकेगा तो आप भी भटक जाओगे। उसके बाद प्लस है, मतलब हमको इधर जाना है, 5 पे हमें ना, अब 5 से आगे चलना है, किधर जाना है, इस साइड जाना है। इस साइड क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है, कितने कदम आगे चलना, 1 कदम आगे चलना है, यहाँ से 1 कदम आगे चलेंगे तो 6 पर पहुंचेंगे, आराम से यहाँ पर 6 पर हम लोग पहुंच चुके हैं ना। अब 6 को घेर देना है, 6 को हम लोग घेर देंगे, तो बस यही 6 मेरा रिजल्ट हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं होता इसको सॉल्व करो और देखोगे आपका रिजल्ट 6 ही आने वाला है। 7 × 1 = 8, 8 में 2 गया 6 हो गया, बस इसी तरह बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन देखोगे, 0 + 3 + 2 है। हाँ जी, इस सबको मिटाना है, हम लोग फिर से बनाएंगे ना। हाँ भैया, हम लोग तो फिर से बनाएंगे। अगर समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन को और अच्छे ढंग से आपको देखना है, बस ये समझ के चलना, प्लस बोला गया हम इधर चलेंगे, अगर माइनस बोला जाए तो हम वापस पीछे की ओर आएंगे, बस इसको समझ के चलना। फिर तो सोच लो, फिर तो समस्याएं होंगी ही नहीं आपको, बस इसको समझ के चलना। देखो यहाँ पर 0 है ना, तो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 का यहाँ है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए अपने पथ को, 0 पर स्ट्रेट खड़े हो गए। अब हमको 0 से आगे बढ़ना है, कितना है, प्लस है, +3, प्लस मतलब इधर आना, और 3 है यहाँ पर, 3 कदम आगे आना है, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, मतलब हम लोग 3 तक पहुंच जाएंगे, तो 3 तक पहुंच गए। उसके बाद बोला गया +2, मतलब प्लस मतलब इधर जाना, कितना कदम इधर जाना, 2 कदम इधर जाना, तो यहाँ से फिर से अपने गाड़ी को स्टार्ट करो और 2 कदम उधर चलो, 1 कदम और दूसरे कदम पर मेरा 5 आ जाएगा, आराम से हम 5 तक पहुंच गए, तो 5 को घेर देंगे, तो ये मेरा रिजल्ट, मेरा +5 आ गया, ठीक। मेरे ख्याल से आप मेरे बातों को समझ पा रहे हो और बना भी बना रहे हो ना, ठीक से समझ में आ रहा है? हाँ भैया, समझ में आ रहा है। अगेन 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 देख रहे हो संख्या रेखा कमाल क्या है, मजा आ रहा होगा संख्या रेखा पढ़ने में। हाँ भैया, ठीक तो बोल रहे हैं, मजा तो बहुत आ रहा है संख्या रेखा पढ़ने में, बट पहली बार ये संख्या रेखा देख रहे तो थोड़ा सा अजीब लग रहा, कैसे कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन समझ में सब आ रहा। चलो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन क्या, -1 + 3 - 1। अब यहाँ देखोगे, सीखोगे, समझोगे। पहले तो -1 पर हम खड़े हो जाएंगे, अब -1 से +3, 1 कदम 2 कदम 3 कदम आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ते हैं 3 कदम, 1 2 3, हम 2 पर पहुंच जाएंगे, 2 पर पहुंच गए। अगेन उसके बाद हमको जो है -1 1 कदम पीछे आना है, माइनस है ना, 1 कदम पीछे आना है, तो यहाँ से 1 कदम पीछे 1 पर आ जाएंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करो गाड़ी अपनी और 1 कदम पीछे यहाँ पर आ जाओ, पीछे आया ना, तो पीछे यहाँ का निशान आपको देना है। अब इस 1 को घेर दो, मतलब मेरा रिजल्ट जो है 1 हो चुका है, तो रिजल्ट यहाँ पर 1 लिख देना है, +1 है ना। हाँ भैया, +1 है, तो आगे में प्लस दे सकते हो, नहीं भी दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन है वो आपको खुद से बनाना है और खुद से ही बनाओगे, ऐसा मत बोलना भैया सुनिए ना, यानी बैठा लीजिए ना, वो काम नहीं होगा, ठीक है, उसको सीखना है आपको। ओके, हाँ भैया सीखना है। चलो जी, अब हम लोग तनिक कुछ और देखते हैं। भैया एक काम, ये सब तो सीख गए, अगर नहीं बनाए हो तो पहले यहाँ तक बनाओगे, इसके बाद आगे, क्योंकि अब हम लोग कुछ और देखने वाले, कृपया करके अगर नहीं बनाए हो तो पहले यहाँ तक बना लो, मैं साइड हट जाता, मैं कुछ देर रुक जाता हूँ, आप पहले यहाँ तक पहुंच जाओ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहुंच गए होगे? हाँ भैया, यहाँ तक तो पहुंच गए, अब ध्यान देना, ठीक भैया सुनिए ना,
काश वो अतिथि मेरे घर पर नहीं आते तो हमें इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। कहीं वो अतिथि भैया आप ही तो नहीं थे या फिर आप ही तो नहीं भेजे थे? अरे रे 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 रे, आप मेरे ऊपर कितना डाउट करते हो। हाँ हम भेजे थे काश यहाँ ध्यान दोगे आप, इस सबको पहले हटाओ, चलो आप जाइए, बहुत मेहनत कर रहे हो आप भी खत्म हो जाओ, आप भी खत्म हो जाओ। हाँ जी, अब यहाँ देखोगे, सब समझोगे, सीखोगे, जानोगे, पहचानोगे, क्या करोगे और क्या करना है, और सीखना है। तीन के बाद चार, फिर पांच, फिर छह, फिर सात, फिर आगे जितना आपको बढ़ाना है बढ़ाओगे ना। तीन चार पांच, अब यहाँ देखो, बारी बारी सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब जो है यहाँ से दशमलव वाला हम लोग सीखने वाले, अगर बोला जाए 7.1, 0.5, -1.7, -4.8, 2.4, 2-3, -3.4, ये दशमलव वाला कैसे सॉल्व करोगे? अभी तो आप सोच रहे होगे भैया अभी तक तो हम ठीक से जोड़ घटाओ, सुनो दशमलव से आने से पहले कुछ और दे रहे हैं आपको जोड़ घटाओ, पहले वो बनाओगे तब आगे दशमलव पे जाना आपको, वरना आप जो है तीन चार क्वेश्चन खुद से बनाए हो वो ही समझ में आपको नहीं आया और आप दशमलव सीखोगे तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। कृपया करके यहां से आप पहले कुछ क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है? जब कुछ क्वेश्चन बना लोगे ना तब आप सोचोगे हाँ अब मुझे लगता है कि हम लोग अब सही डायरेक्शन में सीख रहे हैं, तो पहले आप जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनाने का प्रयास करोगे। ओके हाँ भैया, हम आपकी बात ही समझ पा रहे हैं और हम तुरंत सीख जाएंगे सारी चीजें। चलो जी, और आपसे यही उम्मीद था, फटाफट से यहाँ +8 है, इसको भी पहले बनाओगे उसके बाद हम दशमलव वाली संख्याओं को सीखेंगे। ओके ठीक है भैया, चलिए पहले इसको बनाओ। बन गया होगा? हाँ भैया बन गया, ये क्यों मिटा दिए, अच्छा नहीं लगा तो देखने, फिर से बनाएंगे आप। बन जाएगा ये, केक बता दे भैया, सुनिए ना एक बता दीजिए, चलो एक बता देते हैं क्या, 7-1+3 ना, अगर क्वेश्चन रहे 7-1+3 तो पहले 7 ढूंढो कहां पर है, तो 7 मेरा यहां पर हो गया, 7 से हम लोग उठेंगे, चलो नेम टूट गया हम लोग का, 7 से उठ गए, -1 जाना है मतलब एक कदम पीछे की तरफ आना, माइनस है ना तो माइनस की तरफ आना है, 1 है तो एक कदम 6 पर आ जाएंगे, आगे 6 पर, अब यहाँ फिर पर मेरा +3 है मतलब 3 कदम हमको और आगे जाना है, ले 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 ले, हमको उधर जगह भी नहीं है, 8-9-10 जगह बना लेंगे, अब 3 कदम आगे चलो, 1-2-3 हम 10 पर पहुंच जाएंगे, ए कहां पर थे, 7-1, 7 से -1 6 पर आ गए, अब 6 से हमको +3, 6 से 3 कदम आगे चलना है, 1-2-3 हम 9 पर पहुंचेंगे, यहां से गाड़ी को स्टार्ट करो और 9 पर ला करके यहां पर दम तोड़ दो, ठीक है? मतलब मेरा रिजल्ट 9 हो गया, तो यहां पर रिजल्ट 9 हो जाएगा, ऐसे सीखना है आपको, ठीक है? हाँ भैया समझ में तो आ रहा सारी बातें, और कुछ बताना है? हाँ भैया और कुछ बताना है आपको, बता दीजिए ना, वो सेकंड नंबर क्वेश्चन ही बता दीजिए क्या है, 0-1+6, अच्छा लो बता ही देते, 0-1+6 है ना, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा उसको सीखो, पहले हम संख्या रेखा खींचेंगे, संख्या रेखा खींचने के बाद पहले 0 है तो 0 को पहले डिनोट करेंगे, 0 के इस साइड मेरा प्लस वाला होता और 0 के इस साइड मेरा माइनस वाला होता है, अब 0 से मेरी गाड़ी स्टार्ट होगी, ठीक है? अब -1 है मतलब -1 मतलब एक कदम पीछे की तरफ आना, हम लोग को एक कदम पीछे की तरफ आ गए, अब यहां से हमको +6 करना है, -1 से +6 जाना है, तो 1-2-3-4-5-6 5 तक पहुंचेंगे, यहां से गाड़ी स्टार्ट करो और 5 पर ला करके छोड़ दो, रिजल्ट मेरा क्या हो गया 5 हो गया, बराबर देखिए यहाँ 5 नहीं, तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को आप बनाओगे, मेरे ख्याल से अब तो सीख गए होगे आप, यहाँ अब तो सीख ही गए होगे, अभी बताओ हम लोग को, अभी हम स्टार्ट किए हैं कि जोड़ घटाओ सीखे हैं, अभी हमको यहाँ तक पहुंचना है, कृपया करके अपने आप को शांत रखना। अच्छा आपको आपके अतिथि का सवाल मिल गया, जो आपके अतिथि जी आपसे पूछे थे 7-3 को जो है संख्या रेखा पर डिनोट करो, क्या इसको अब आप संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हो? अच्छा भैया सुनिए ना, हमको अतिथि के पास पहले हम आते, पहले उसको जवाब दे करके आते, उसके बाद भैया हमको आगे सिखाइएगा, चलो पहले उसको जवाब दे दे, हाँ इतना मेहनत किए हैं पहले उस अतिथि को जवाब तो दे दे। हाँ जी चलिए अतिथि जी, आप पूछिए हमसे क्या पूछना चाहते हैं, अपने घर पर मौजूद हैं, सब कुछ पढ़ करके आए, हमसे पूछिए अतिथि जी क्या पूछना है आपको, चलो हाँ सुनोगे 7-3 क्या होगा, तो फटाफट आप बताओगे अभी तुरंत, हम तो पढ़ के ही आए हैं, सुनिए 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 भ्राताश्री,
ये आपके भाई जाने अतिथि क्या? क्या पता अतिथि मैं हूँ। ना 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 ना, यहाँ ध्यान दो। अब अतिथि जो है आपसे पूछे कि 7-3 इसका रिजल्ट क्या होने वाला, फटाफट बोलोगे भैया यहाँ 7 है ना, हाँ पहले 7 दर्शाओ। कहीं कोई जोड़ी नहीं, आप 20 से स्टार्ट हुए यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3 इधर -1 होता है। अगर चूंकि -1 खुद से सोच लोगे कितना हमको जोड़ी है जो मेरा हट जाए फिगर में, उस अनुसार आप अपने फिगर को बनाओगे। देखो 7-3 हमको 7 चाहिए ना, पहले हम 7 ले लेते हैं, 7 ले रही है, ठीक है। अब 7 से हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में 7 है ना, -3 कहा गया, मतलब माइनस का मतलब पीछे की तरफ आना, 3 कदम पीछे की तरफ आएंगे, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, हम लोग 4 पे पहुंच गए, 4 पे पहुंच गए, अर्थात रिजल्ट हमारा 4 हो गया। आपने तो अतिथि का मुख ही बंद कर दिया बेहतरीन जवाब दे करके। अब ये सेकेंड क्वेश्चन पूछते, आप तो समझदार हो रहे हो, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछो ना कि आप जिसको देख करके दंग रह जाओ। अच्छा ये बताओगे -1 + 0 क्या होगा, अब आप परेशान, भैया क्या करें कुछ समझ में ना आ रहा, हाँ प्लस जीरो कहा गया क्या करें भैया, अब हम ये तो पूछे भी नहीं भैया से, भैया बताए भी ना हमको, और यहाँ पर अतिथि जी सोचता है, अतिथि ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे ना बिटिया रानी बता ना पाए। यहाँ देखो -1 है ना, तो पहले हम -1 पर अपने आप को स्टैंड अप कर लेंगे। अब -1 से +0 की तरफ जाना है, अच्छा जी +0 की तरफ जाना, +0 हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ कितना कदम बढ़ना है, 0 कदम, मतलब कुछ नहीं बढ़ना, वहीं पर रहना है, मतलब इसका रिजल्ट मेरा -1 ही हो जाएगा। इसलिए कृपया करके आप ना घबराइए ऐसे सवाल को देख करके। ये सब तो हो गया, अब अतिथि के मन में चल रहा कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे ना जिसका ये जवाब ना दे पाए, हाँ कम से कम ऐसा क्वेश्चन सोचना पड़ेगा, क्या पूछते हैं क्या पूछते हैं क्या पूछते, जो इसके सही को ना बताए होंगे। हाँ जी इससे हम पूछते हैं, बताओगे 2.1 को हम लोग संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, तुरंत आप बोलोगे भैया अच्छा रुकिए हम 5 मिनट में आते हैं, तो वहां से फिर से आप जो है इनको बोल, इनको आपने कहा अच्छा रुकिए हम 5 मिनट में आते हैं, उसके बाद आपको आकर के बताया कि 2.1 को संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शाना है। चलिए अब फटाफट से दौड़े भागे जो है हम हमारे पास आए, भैया हमको 2.1 को संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाना है वो बता दीजिए, तुरंत बताते हैं। इसमें कौन सी समस्या है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना, ना 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 ना, इस बार आपको सब कुछ बता देंगे जिससे कि वो आपको कभी कंफ्यूज ना कर पाए वो अतिथि। यहाँ देखो 2.1, 1.7, 0.5, 0.5, -0.5, -1.5, -1.3, -2.4, ये ढेर सारा क्वेश्चन आपके सामने है, और कुछ क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन है आपने सोचा भी ना होगा। आप ये जानते हो एक बात, क्या अगर दशमलव है, दशमलव को हटाते हैं नीचे 10 आता है, जैसे है 1.2, दशमलव को हटाएंगे 1 आ गया, दशमलव के बाद 1 अंक तो यहाँ पर 1 0 आता है, अर्थात 12/10 होता है, ये आप जानते हो। हाँ भैया ये तो हम जानते ही है। अगर रहेगा 7.6, दशमलव को हटाया तो नीचे 10 आया, ये तो आपको पता ही होगा। हाँ भैया ये तो मुझको पता है। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये मैंने क्यों बताया कि 2.1 को हटाएंगे तो हम लोग का नीचे 10 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये चीख चीख करके आपको ये कह रहा कि संख्या, मतलब इसको जो है नीचे जो 10 है ये बोल रहा है आपको 10 बराबर भागों में उस जगह को बांटना है। अगर मैं कहूंगा अब यहां से कुछ आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, वो क्या, वो समझने का प्रयास करो। यही कि अगर हम कहेंगे कि ये हमारे सामने एक छड़ी है आपका, मेरा छड़ी है प्यारा सा श्याम सुंदर, अगर मैं कहूंगा इसको जो है 2 बराबर भाग में तोड़ दो, तो क्या करोगे आप, भैया बोले हैं इसको 2 भाग करने के लिए, 1 भाग यहां से कर देंगे 1 भाग यहां से कर देंगे, हो गया ना 2 भाग, यही करोगे 1 भाग यहां से 1 भाग यहां से, 2 भाग हो गया, देखो तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग हो गया। मतलब अगर हम कहेंगे इसको 2 भाग में बांटो, इसका मतलब क्या हुआ, आपको जो है इसको बस 1 बार तोड़ना होगा तब ये छड़ी जो है 2 भाग में टूटेगा, इसको सीखो। अगर मैं कहूंगा इस छड़ी को जो है 7 भाग में बांटो, तो आप इसको कितना बार कहां कहां से कट करोगे, तो बोलोगे भैया सुनिए अगर आप बोलेगा इसको 7 भाग में बांटने के लिए ना, तो 7 से 1 कम हमको 6 बार ही कट करना होगा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार में कट कर दिए, तो ये मेरा 7 भाग में बढ़ चुका है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग, देख रहे हो कैसे किस प्रकार हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको सीखो। अगर हम इसको कहेंगे 4 भाग में कट करना है, कितने भाग में, इसको 4 भाग में बांटना है, ठीक है भैया संख्या को 4 भाग में बांटना है। अब 4 भाग में बांटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से मेरे पास स्टिक है, इसको मैंने कहा कि आप जो है इसको 4 भाग में तोड़ो, भैया हम एक बार तोड़ के देखेंगे, आप हमको छड़ी दे दीजिए,
देख लो छड़ी को तोड़ना नहीं है, आपस कल्पना करो छड़ी को हम लोग तोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ चार भाग में तोड़ना है ना, एक काम करेंगे इसको कट करना है, तो चार से एक कम तीन बार कट करना है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। देखो आप, एक दो तीन चार, चार भाग में बढ़ चुका है। हाँ भैया, चार भाग में बढ़ चुका है। तो आज हम लोग जो है सिर्फ कितने भाग में कट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कंप्लीट किए। इसके आगे जो हम लोग शाम में क्लास करने वाले हैं, क्योंकि समय जो मुझे कुछ नेक्स्ट काम करना है समय ज्यादा हो रहा है। क्या काम करना है भैया, ये सारी बातें बाद में होंगी। तो आज हम अभी तत्काल के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं। जो सामने इसका क्लास, जो आधा बचा हुआ क्लास है, जिसमें हम लोग दशमलव को संख्या रेखा पर दर्शाने सीखेंगे, फ्रैक्शन को संख्या रेखा पर दर्शाने सीखेंगे, ढेर सारी चीजें सीखने वाले, वो सब हम लोग सामने सीखेंगे। ओके, चलो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, और इसी लेक्चर का सामने कुछ लेक्चर एड करके तब हम लोग जो है आपको ये वीडियो देखना है, ठीक है। चलो मिलते हैं सामने। चलो जी, यहाँ तक हम लोग ये सीखे थे, मिटाने वाला कहाँ गया। यहाँ आप ध्यान दोगे, बस आप इतना समझ लो, ठीक है। मुझे आप पर पूर्णतः विश्वास है कि आप यहाँ तक क्लास करने के बाद इसके आगे जो आप क्लास करोगे ना, वो आपको तभी समझ में आएगा, तभी जब आप इस लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करना सीख जाओगे। मैं फिर से आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सिखाता हूँ। ध्यान से समझना है, सीखना है। दशमलव सीखने से पहले आपको फ्रैक्शन वाला पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपके सामने कुछ नंबर लिखता हूँ, आपको ध्यानपूर्वक समझना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 12 बटे, समझना, यहाँ लिखा 12 नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है 7/8, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब मैं बोलूँगा इसको संख्या रेखा पर दर्शाओ, तो आप क्या बोलोगे, पहले बोलोगे भैया सुनिए ना, नीचे में क्या लिखा हुआ है, नीचे में 8 लिखा हुआ है, ये 8 आपको ये दिखा रहा कि आपको 8 भाग में बांटना है संख्या रेखा को। मान लो ये संख्या रेखा है, इसको आपको 8 भाग, 8 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक टुकड़ा है, इस टुकड़ा को जो है ना आपको 8 भाग में बांटना है। अब आपके दिमाग में ये तो कंफर्म हो चुका है, 8 भाग में बांटना मतलब कितना बार कट करना होगा। भैया यहाँ पर हम लोग 7 बार कट करेंगे। बहुत अच्छे, अर्थात 8 भाग में बांटने के लिए इसको 7 भाग में कट करना होगा। चलो मेरे साथ काउंट करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बार में कट किए। अब देखते हैं क्या 8 भाग में ये बढ़ चुका है कि नहीं बटा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 भाग में प्रॉपर बढ़ चुका है, ठीक है। मतलब अगर ये आप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सीख जाओगे ना, समझ लो आप पूर्णतः सीख चुके हो। अगेन यहाँ पर अब बनाने का तरीका क्या है, उस बनाने के तरीके को सीख लो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं क्या 8 से 7 में भाग लगेगा। तो बोलोगे भैया 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना, 8 एकम 8, तो स्टार्टिंग में ही 8 आता है। यहाँ 8 से 7 में भाग भैया नहीं लगेगा, कभी भी 8 से 7 में भाग लगेगा बिल्कुल नहीं लगेगा। अर्थात आप हमेशा देखोगे क्या नीचे में 8 है, 8 से ज्यादा होगा तभी भाग लगेगा। क्या 8 से ज्यादा है 7, नहीं है, अर्थात ये 8 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। जब भाग नहीं लगेगा ना, तो हमेशा ये 0 और 1 के बीच में होगा, इसको समझना है। अभी बस इतना ही सीखो, अभी आगे नहीं देख रहे। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको हटाओ, अभी दशमलव का अंतिम में सीखेंगे। बिकॉज दशमलव का अभी डायरेक्ट में सिखा दूंगा ना, आपके ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, फिर आप खुद परेशान होगे, भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर अगर 1/2 लिखा होगा तो आप क्या कहोगे, भैया क्या 2 से 1 में भाग लग रहा, पहले मन में सोचोगे क्या 2 से 1 में भाग लग रहा। तो आप बोलोगे भैया 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा। जब भाग नहीं लगेगा तो आपके मन में ये आना चाहिए, ये संख्या रेखा पर जो है 0 और 1 के बीच में होने वाला, किसके बीच में होने वाला, 0 और 1 के बीच में होने वाला, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ गया, आप जो समझाए वो मुझे समझ में आ गया। अब देखो यहाँ नीचे में क्या है, नीचे भैया 2 है, अर्थात इसको हमको 2 भागों में बांटना है। अब मैंने सिखाया हुआ है, हाँ भैया आप बताए थे, भैया आप बताए थे कि किसी भी मतलब छड़ी को 2 भाग में बांटने के लिए सिर्फ 1 कट करना होता है, अर्थात यहाँ पर इसको जो है 2 भाग में बांटने के लिए इसको 1 बार ही कट करना होगा, अर्थात 1 बार कट कर दिए ये 2 भाग में बट गया, 1 भाग ये, 1 भाग ये, बस ये समझना सीखो। अगर हम लोग कहेंगे मेरी प्यारी बहना 2/4 इसको आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करो, तो फटाफट आप बोलोगे भैया 4 से 2 में पहले भाग लगाते हैं, रफ भाग लग गया तो ठीक है, अगर भाग नहीं लगा तो क्या करना है उसको समझना है। 4 से 2 में भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में मौजूद होगा। अगर भाग लगेगा तो क्या करना है वो सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, घबराओ मत। वैसे आपका इसमें मात्र 1 ये क्वेश्चन है भाग लगने वाला, बाकी कोई सा भी क्वेश्चन
डिवाइड वाला नहीं है। यहाँ देखो 2/4 है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो अभी हम तुरंत जाने ये भाग, बोलिए ये भाग लग रहा है भाई यार, सुनिए ना, ये 4/2 में भाग नहीं लग रहा। जब भाग नहीं लग रहा तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा। अब अपना बिजनेस माइंडेड लगाओगे, नीचे में कितना है, नीचे में 4 है भैया, किसी को मत बताइएगा, आप हमको सिखाए थे अगर नीचे में 4 रहेगा, 4 भाग में बांटना होगा तो कितने बार कट करते, तो 3 बार कट करते। अब अपने हथियार को निकालेंगे, इसको 1, 2 और 3 बार कट कर देंगे। 3 बार कट करने से ये 4 भाग में बढ़ चुका है। देखो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, बताओ कितना आसान था। अब सिंपल सा यही आपको सीखना है। अगर मैं कहूंगा, अगर मैं कहूंगा कि आप जो है 1/5 को जो है आप संख्या रेखा पर दर्शाओ, तो फटाफट बोलोगे भैया 5 से 1 में डिवाइड करते हैं तो भाग, भैया नहीं लगता है भाग, 5 से 1 में भाग लगाओगे, भाग लगेगा नहीं लगेगा, अर्थात ये 0 और 1 के बीच में मौजूद होगा। किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में मौजूद होगा। चलो नीचे में कितना है मेरे प्यारे भैया, नीचे में 5 है, अर्थात इसको 5 बराबर भाग में बांटना होगा, बांटेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो 5 भाग में बांटने के लिए कितने बार कट करना होगा भैया, 1 कम कर दीजिए, 4 बार कट करना होगा, तो 1, 2, 3, 4 चार बार कट कर दिए, ये हमारा 5 भाग में बढ़ चुका है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 5 भाग। हाँ भैया, अब सांस में सांस आया, इस प्रकार हम इसको जो है कट करते और भाग में बांट देते। अब सुनो दर्शाना कैसे, 7/8 कहाँ पर होगा उसको अब सीखना है, ठीक है। यहाँ देखो ये पहला कट के दिया, पहला नंबर है 1, ऊपर में क्या है 7 है ना, अब यहाँ से जहां पर 7 पुर जाएगा वहां पर इस संख्या को लिख देना है। काउंट करो मेरे साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 यहाँ पे आया, यहाँ पे एक लंबा सा लकीर खड़ा कर देना, ये मेरा है 7/8। इस तरह बनाते देखो, यहाँ पर 1/2 है ना, ऊपर पे कितना है, ऊपर भैया 1 है, अब यहाँ से काउंट करेंगे, 0 को छोड़ के काउंट करना, 1 यहीं पर 1 आ गया, अब यहीं पर लकीर खड़ा करो, यहाँ पर लिख दो 1/2, इस तरह बनाते, ठीक है। यहाँ देखो 2/4 है ना, ऊपर में 2 है ना, 2 काउंट करो, 1 0 को छोड़ के, ऐसा नहीं यहीं से 1 स्टार्ट कर लेना, यहाँ पर 0 है ना, पर आप 0 को 1 कैसे काउंट करोगे, ना भैया हम कहाँ कह रहे कि 0 को आपको 1 काउंट करना है, 0 को छोड़ करके काउंट करेंगे, ये हुई ना बात। अब यहाँ से 0 को छोड़ करके हम यहाँ पर गिनेंगे 1, 2, ऊपर में 2 है तो 2 तक जाएंगे, इसके ऊपर 1 टिक खड़ा कर देंगे। चलो जी अब ये क्या हो गया 2/4, तो यहाँ पर 2/4 लिख देंगे, बस इतना सा ही काम करना है और कुछ काम नहीं करना। देखो यहाँ पर 1/5 है ना, अब काउंट करेंगे, इससे स्टार्ट करें 0 से स्टार्ट करें, मैंने अभी तुरंत सिखाया ना, 0 से स्टार्ट नहीं करते, हाँ भैया सिखाए, अर्थात 0 से स्टार्ट नहीं करना है आपको, 0 के बाद 1 यहाँ से स्टार्ट करना है। काउंट करो, ऊपर में 1 है ना, 1 स्टार्टिंग में ही आ गया, अर्थात ये मेरा 1/5 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो, अब सबका जो है आपको 3-3 क्वेश्चन बनाना है, कितना क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन बनाना है। पहले आप सबका टोटल का 3-3 क्वेश्चन गिनती पढ़ना है, अर्थात 7/8 है गिनती करो, 8/9 होगा, हाँ भैया, फिर उसके बाद 9/10 होगा, हाँ भैया, बस। और एक और क्वेश्चन ना, 3-3 क्वेश्चन मैंने कहा, एक क्वेश्चन बना हुआ है, 2 क्वेश्चन और बना, 3 मतलब क्या हुआ, और 3 क्वेश्चन बनाना है, हाँ जी, और 3 क्वेश्चन बनाना है, 7/8, 8/9, 9/10 और 10/11, इसके अलावा 3 क्वेश्चन और आपको बनाना है, सबका 3-3 क्वेश्चन बनाओगे। मैं कुछ इसका बताता हूँ, 7/8 का किस प्रकार बनाना है, इसको देख लो, ठीक है, तब आप समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है। यहाँ देखो हम 7/8 क्वेश्चन उतार लो, सर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पहले उतार लो, हम 7/8 का 3 और क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी आपको 1/2 का, 2/4 का और 1/5 का सबका जो है और 3 क्वेश्चन बनाना है, इसको काउंट मत करना, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन हो जाएगा, मजाक नहीं करना, मजाक करोगे तो आगे नहीं सीख पाओगे, इतना समझ के चलना। आगे सीखना है तो एक ही रास्ता है, वो रास्ता है मेहनत करने का, जितना मेहनत करोगे उतना बेहतर तरीके से सीखोगे, इस बात को समझ के चलना भैया, हम मेहनती हैं, हम बिना बेवजह आपको तनिक भी परेशान किए बिना हम सारे क्वेश्चन को बना डालेंगे भैया, आप परेशान ना होइए, ठीक है, हम आपको तनिक भी परेशानी का मौका ना देंगे भैया। चलो जी ये होना चाहिए, ऐसा ही आपको अपने अंदर एटीट्यूड रखना है कि आप हमें परेशान कम करो और फटाफट से सारे क्वेश्चन को अपने अनुसार सॉल्व करना। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या होगा भैया, 7/8 है ना, हाँ जी, इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चल सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 8/9,
चलिए जी, अब 8 बाय 9 को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक संख्या रेखा खींचेंगे, संख्या रेखा खींच लिए, 9 से 8 में भाग ना ही लगता है। जब भाग ना ही लगता है तो ये 0 और 1 के बीच में होगा। नीचे में कितना है 9, मतलब 0 और 1 के बीच में 9 बराबर भाग में बांटना है। 9 बराबर भाग में बांटने के लिए कितने बार कट करना होगा? भैया आप हमको तो सिखाए थे 9 भाग में बांटने के लिए। हम लोग जो है एक कम 8 बार ही कट करते हैं। बहुत अच्छे भैया, तो समझ रहे हैं अच्छे से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आराम से हम लोग 8 बराबर 8 बार कट किए। अब ये मेरा 9 भाग में बट गया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 6 7 8 9, 9 भाग में बट गया। अब आराम से हम लोग ऊपर में कितना है 8 है, अब 8 काउंट करेंगे 0 को छोड़ के। भैया 0 को हम छोड़ के ही काउंट कर लेते, ठीक है अच्छी बात है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 यहाँ आया, यहाँ पर एक आहासा चोटी खड़ा कर दिए। अब इसके ऊपर लिख देंगे 8/9। हाँ जी, बस इसी तरह हम लोग बनाते हैं, मजे से बनाते हैं, ठीक है। हाँ भैया, तीसरा क्वेश्चन देखना है किस प्रकार बनाएंगे। तो टोटल तो 4 क्वेश्चन बनाना है ना? हाँ ये तो बात है, टोटल 4 क्वेश्चन बनाना है। इसके बाद क्या हुआ, 8/9 के बाद 9/10 होगा। अब बस ध्यान से देखो किस प्रकार बनाना है 9/10। एक संख्या रेखा खींचेंगे, संख्या रेखा खींच लिए, अब देखो क्या 10 से 9 में भाग लगता, सोचते हैं 10 से 9 में भाग लगावत है। पहले 10 लिख ली, 9 में भाग, 10 का पहाड़ा भैया याद ही है 10 एकम 10 होता, यहाँ पर 9 आ गया, भाग ना लगेगा भैया। जब भाग ना लगेगा तो सिंपल सा आप ये समझ के चलो ये 0 और 1 के बीच में, बस इतना समझ के चल रहा। नीचे में क्या है 10 है, अर्थात 0 और 1 के बीच में इसको पूरे के पूरे 10 भाग में बांटना, का ही करोगे आप भैया 10 भाग में बांटने के लिए इसको 9 बार कट करेंगे, तो कट करो ना, क्या दिक्कत है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। भैया ये जल्दी पूरी है ना आपका, लेकिन अब देखो 10 भाग में बटा या नहीं बटा इसको देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भाई साहब क्या ही हमने कट किया है। चलो जी 10 भाग में बट गया, ऊपर भी क्या है 9 है, आपको तीर का निशान नहीं देना है, हम बस समझने के लिए तीर का निशान दे रहे हैं, ऊपर में 9 है। अब काउंट करेंगे 0 को छोड़ के काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 आ गया, 9 के ऊपर एक डंडा खड़ा कर देंगे, यही मेरा हो गया 9/10। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो मेरी बात को। लास्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, हमको टोटल 4 ही क्वेश्चन, 3 और क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन ही कंप्लीट करना था। हाँ भैया अब 10/11 देख लेते हैं। बहुत अच्छे, अब 10/11 देखेंगे, इसी तरह बेहतर तरीके से देखेंगे, एकदम मजे में देखने वाले, बस आप अच्छे से सीखो सब चीज को। 10/11 है, 11 से 10 में भाग लगत है, ये देखो भैया 11 से हम 10 में भाग लगावत है, ना लगेगा भैया, जब भाग ना लगेगा तो ये 0 और 1 के बीच में होगा। बताओ इसमें कहीं कोई समस्या है, 0 और 1 के बीच में किस प्रकार हो रहा? ना भैया समस्या क्या होता है, समस्या ना है। अब देखो नीचे में 11 है ना, तो इसको पूरे के पूरे 11 भागों में बांटना है, इसके लिए कितना बार कट करना होगा? भैया क्या बोले, सुनाई नहीं दिया, इसके लिए कितना बार कट करना होगा? भैया इतना धीरे क्यों बोलते, अरे कोई सुन लेगा ना, कितना बार कट करे इसको, इसको हम लोग जो है ना 11 भाग में बांटना है, तो 10 बार कट करना। देखो मैं मजाक करता हूँ, आप बोर ना हो इसलिए ऐसा मत समझना, बस मैं मजाक करता, ठीक है। भैया आप जो बार बार ये क्यों बोलते मजाक करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कहीं आप ये ना बोलो, भैया जी ये क्या बोलते हैं आप, धीरे धीरे कभी तेज बोलते हैं, बस यूं ही मैं बोलता हूँ, आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है, इधर उधर मेरी बातों पर ध्यान नहीं देना आपको। देखो यहाँ पर 11 भाग में इसको बांटना है, मतलब कितने बार कट करना होगा, 11 से एक कम 10 बार कट करना होगा, कट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 बार कट किए, ये हमारा 11 भाग में बढ़ चुका है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 बट गया यह भाग में, ऊपर में 10 है, अब काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 यहाँ है, यहाँ पर तीर का निशान, यहाँ पर 10/11 दे देंगे, ये मेरा 10/11 हो गया, 4 क्वेश्चन कंप्लीट, मेरा पहला नंबर क्वेश्चन जो है उसका 3 और क्वेश्चन बन चुका है। चलो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी छोड़ देंगे, ठीक है, बाकी आपको सारा क्वेश्चन खुद से बनाना है। अच्छा भैया ये तो और अच्छा लगा, इसको मिटा रहे हैं, देख लो एक बार अच्छे तरीके से, देख लो निहार लो, ठीक है भैया निहार लिए, देख भी लिए, कहीं कोई समस्या तो नहीं ही है हमको, फिर भी अगर आप बताना चाहते हैं तो ये 2 नंबर बता ही दीजिए, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये कहने का क्या तात्पर्य है आपका दूसरे नंबर का,
दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, एक बटे दो था सब में, एक से एक बढ़ा, दो बटे तीन हो गया। अब दो बटे तीन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसको सीखते हैं। एक संख्या रेखा खींच लेंगे। हाँ भैया संख्या रेखा खींच लीजिए। पहले ये देखो क्या तीन से दो में भाग लग रहा, तो मेरे प्यारे भैया तीन के बहारे में दो नहीं आता है, अर्थात ये मेरा जीरो और एक के बीच में होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप मेरे बातों को समझ रहे हो। अब आराम से यहाँ नीचे में क्या है, तीन है, तो इसको तीन बराबर भागों में बांटना है। तीन भाग में बांटने के लिए कितने बार कट करोगे भैया, एक कम दो बार कट करेंगे। बहुत अच्छे, तो एक कट यहाँ कर दिए, एक कट यहाँ कर दिए। देखो ये तीन भाग में बट चुका है, एक भाग, दो भाग और तीन भाग। अब हमको ऊपर में कितना है, दो है, तो काउंट करेंगे दो, एक दो, यहाँ पर पहुंच गए, इसको खड़ा कर दिए, ये मेरा दो बटे तीन हो गया। बस इसी प्रकार हम दिखाते संख्या रेखा में, किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा में दिखाते। अब सारा क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे, पहले यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट करो। मैं आपको कितने मिनट का समय, समय क्या आपको बनाना है, उसके बाद ही आगे देखना है। मैं कुछ देर रुक रहा हूँ, हल्दी हल्दी बनाओगे वीडियो रोक लो, ऐसा नहीं करोगे भैया बाद में बनाएंगे छोड़ देते हैं पहले क्लास कर लेते हैं, वो काम करोगे तो लो आगे नहीं सीख पाओगे। मैं बार बार कहता हूँ अगर मैं रुक रहा हूँ ना, तो पहले आपको वहां तक कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आगे क्लास करना है। भले ही जो है एक क्लास को कंप्लीट करने में आपको एक साल का समय ही क्यों ना लग जाए, आप पढ़ाई करो या ना करो पूरा, कम से कम आप ऐसा तो होएगा नहीं। ठीक है, अगर आप पढ़ाई करोगे तो इसको हम एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो दो दिन का भी समय लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अच्छे से पढ़ाई करना है। यहाँ तक पहले कंप्लीट करोगे, इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। हो गया होगा? हाँ भैया हो गया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दोगे, समझोगे, जानोगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दशमलव का भी छोड़ देंगे। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इस सात बटे चार को छोड़ करके बाकी सब मेरा माइनस में है, तो पहले माइनस वाला को सॉल्व करना सीख जाते, उसके बाद हम लोग बल्ले बल्ले करने वाले। क्या सिर्फ एक बचेगा? ठीक है ना, मतलब आप यहाँ देख रहे हो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन है जिसमें चार से सात में भाग लग रहा, मतलब इसमें कुछ अलग फंडा होगा, बाकी सब में छह से पांच में भाग नहीं लगेगा, ग्यारह से दो में भाग नहीं लगेगा, ग्यारह से पांच में भाग नहीं लगेगा, ग्यारह से नौ में भाग नहीं लगेगा, मतलब सब मेरा भाग नहीं लगने वाला ही है, सिर्फ आगे में माइनस लगा हुआ है। तो हम एक बार सीख लेते हैं माइनस वाले को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगर माइनस वाला सीख जाएंगे ना, तो ये वाला टोटल हम क्वेश्चन मतलब आप खुद से बना सकते हो। कृपया करके माइनस वाले पर ठीक से ध्यान देना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.2 का ही क्वेश्चन है। अगर ये सीख जाओगे तो 1.2 आप खुद से बना पाओगे, इसलिए अच्छे से अब ध्यान देना है आपको। हाँ भैया मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। ठीक है चलो, वहां तक बन गया होगा। अब यहाँ देखोगे -1/3, -4/5, -7/ 3/2, हल्का ही देते हैं आपको, भारी नहीं करेंगे। -3/4, -2/3। चलो जी, यहाँ पर हमारे सामने चार क्वेश्चन है, इसी चार क्वेश्चन को पहले बनाएंगे, अच्छे ढंग से बनाएंगे। देखो आगे में माइनस लगा हुआ है ना। हाँ जी, अगर माइनस नहीं रहता था तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ये देखते थे क्या तीन से एक में भाग लगेगा, तो ना भैया तीन से एक में भाग नहीं लगेगा। जब भाग नहीं लगेगा तो ये मेरा जीरो और एक के बीच में होता था, लेकिन जैसे ही यहाँ माइनस लगेगा तो ये मेरा जो है जीरो और माइनस एक के बीच में हो जाएगा। माइनस लगा तो माइनस की तरफ चल जाएंगे, प्लस रहेगा तो प्लस की तरफ चल जाएंगे। इसको सिर्फ सीखो, मेरे ख्याल से आप मेरे बातों को समझ गए होंगे, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। हाँ समझ गए ना, मैंने बस इतना कहा अगर आगे में प्लस रहेगा तो प्लस की तरफ जाएंगे, अगर आगे माइनस रहेगा तो माइनस की तरफ आएंगे। चलो जी फिर से हम लोग अपने काम को स्टार्ट करते। यहाँ -1/3 है, तो पहले हम ये देखेंगे क्या तीन से एक में भाग लग रहा है, तो ना भैया तीन से एक में भाग नहीं लग रहा है। जब तीन से एक में भाग नहीं लग रहा, सिंपल सा संख्या रेखा खींच लेंगे। संख्या रेखा खींच लिए, हाँ भैया अब देखो ये मेरा जीरो और माइनस है ना, तो माइनस वन के बीच में आएगा। ओके, अब फिर से वही फंडा, माइनस का काम खत्म। माइनस यही दिखा रहा था कि हम इधर आ रहे हैं या फिर प्लस की तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप मेरे बातों को समझ गए होंगे। यहाँ पर नीचे में तीन है, भैया नीचे में तो तीन है आपका, अब हम कहा करें, क्या इसको तीन बराबर भागों में बांटना है? हाँ जी, आपको इसको तीन बराबर भागों में बांटना है। तीन भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे भैया, ये बताइए आप हमको। तीन भागों में बांटने के लिए हम कितने बार कट करते, दो बार कट करें, एक कम मतलब तीन से एक कम दो होता ना, दो बार कट करेंगे, एक बार और दो बार कट कर दिए। हाँ भैया कट कर दिए। उसके बाद क्या करना है, ऊपर में क्या है, एक है, अब काउंट करेंगे यहाँ से, इसको छोड़ के तब काउंट करना। एक यहीं पर कूद गया, हाँ भैया एक यहीं पर कूद गया, यहीं पर ये टर्म लिख दोगे -1/3। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो मेरी, ऐसे नहीं लिखना, पहले तीर खड़ा तो करो, ये तीर खड़ा करो -1/3। अब मेरे ख्याल से आप हर एक चीज को समझ रहे हो। ठीक, अब इसको देखो कैसे बनाना है।
फिर से वही काम करना, क्या पांच से चार में भाग लगेगा? तो भैया पांच से चार में भाग ना लगत है, ये तो और अच्छी बात है। जब पांच से मेरा चार में भाग ना लगत है तो ये जीरो और बताओ किसके बीच में होगा मेरे प्यारे भैया, क्योंकि यहाँ माइनस है तो जीरो और माइनस वन के बीच में होगा। अब हम लोग जानते हैं भैया, सॉल्व कर दें, यहाँ पर पांच है भैया। अब सिंपल सा हम एक काम करेंगे भैया, ये पांच है जिसको पांच बराबर भागों में बांटना, जब पांच बराबर भागों में बांटना होगा ना तो चार बार कट करेंगे, एक दो तीन चार, चार बार कट कर दी, ये मेरा पांच भाग में बट गया, एक भाग दो भाग तीन भाग चार भाग पांच भाग, ये पांच भाग में बट चुका है। अब ऊपर में क्या है, ऊपर में है चार। अब गिनेंगे हम जहां पर चार कूट जाए तो गिनते हैं, एक दो तीन, हमेशा जीरो के, ए, और ये क्या किए हम, हमेशा जीरो के साइड से स्टार्ट करते गिनना। अब हमें यहाँ शांति ना मिलेगा, इतनी बड़ी भूल हमसे हो गई। अरे भाई साहब ये क्या ही हो रहा, ना 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 ना, ये बहुत गलत है, ऐसा बिल्कुल ना चलो, हमेशा जीरो के साइड से गिनते ना, इधर से गिनो, क्या ही कर रहे हो आप यहाँ से गिनेंगे, एक यहाँ पड़ेगा ना मेरे प्यारे भैया, ऐसा तो ना कीजिए। हाँ इतने मेहनत से हम सीखते हैं और आप जो है हमें परेशान करते, ऐसे ना चलेगा भैया। यहाँ ध्यान दो, माइनस चार बटे पांच है ना, अब इधर से काउंट करोगे, चार के ऊपर पे चार काउंट करो, एक दो तीन चार, चार यहाँ पे आया ना, इसके ऊपर यहाँ पे तीर लगाओगे और यहाँ लिखोगे माइनस चार बटे पांच। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो, यहाँ लिखो। मैं भी कुछ और सोच रहा था, क्या कि यही सोच रहा था कि ये भी सिखा ही, तो ये दिमाग में चल रहा था यहाँ पर आगे से, कुछ और चलेगा तो गलती होएगा ही ना। यहाँ देखो क्या माइनस है, तो मेरा कहाँ जाएगा, माइनस की तरफ जाएगा, ये माइनस देख रहा। हमें पहले ये देखना क्या चार से तीन में भाग लगत है, तो आप बोलोगे मेरे भैया चार से तीन में तो भाग नहीं लगेगा ना, ना ना ना, चार से तीन में भाग ना लगेगा। आप लगा के देखो, चार से तीन में भाग ना लगेगा, अर्थात ये जीरो और माइनस वन के बीच में होगा, जीरो और माइनस वन के बीच में होगा। बस इसको समझने का प्रयास करो, ठीक है। अब कितना है नीचे, चार है ना, इसको चार बराबर भागों में बांटना, कितने बार कट करना होगा, तीन बार, एक दो और तीन, तीन बार कट कर दिए। अब काउंट करेंगे, जहां पर मेरा तीन पुर जाएगा वहीं पर लिख लेंगे, जीरो के साइड से इधर आएंगे हम लोग, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर पूरा तीन का निशान दिए, माइनस थ्री बाय फोर लिख दिए। बस इस प्रकार ही हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाते, यहाँ देखो माइनस टू बाय थ्री है ना, इसको भी हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है, इस प्रकार से संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। बस इसको सीखो, पहले हम लोग माइनस देख रहे, माइनस क्या दिखाता, माइनस यही दिखाता है कि हमको माइनस की तरफ जाना है। हाँ भैया ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब फटाफट से पहले ये देख लेते क्या तीन से दो में भाग लगेगा तो ना भैया तीन से दो में भाग ना लगाओ, अर्थात 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 हम लोग जो है जीरो और माइनस वन के बीच में लेने वाले, जीरो और माइनस वन के बीच में लेने वाले। बहुत अच्छे, बस इसी प्रकार आपको सीखना है। चलो जी, अब यहाँ पर नीचे में तीन है ना, हाँ भैया नीचे में तीन है, तो कैसे करेंगे इसको जो है जीरो से माइनस वन को तीन भाग में बांटेंगे, जिसके लिए हमको दो बार कट करना होगा, दो बार कट कर दिए। हाँ जी, अब यहाँ पर क्या है माइनस टू, अर्थात हमको दो कदम चलना है, पहला दूसरा, यहाँ पर आ गए, ये मेरा जो घर हुआ ये माइनस टू बाय थ्री हो गया, ये तीर आपको नहीं देना है, बस इस प्रकार बनाना है। अब यहाँ पर फिर से अपने आपको थोड़ा सा समय दोगे और एक क्वेश्चन तो सबका बताया है ना, सबका तीन और क्वेश्चन बनाओगे, अर्थात टोटल चार क्वेश्चन आपको बनाने हैं। जल्दी से क्वेश्चन देख लो, हम लोग इसका टोटल चार क्वेश्चन कम्प्लीट कर देते और बाकी जो है आप सब का चार चार क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। एक बार देख लो अच्छे ढंग से, ठीक है, क्वेश्चन को देख लो अच्छे ढंग से, हम लोग इसका क्वेश्चन आपका चार क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। सारा क्वेश्चन देख लो, आपको टोटल चार क्वेश्चन बनाना है, तीन तीन क्वेश्चन और बनाना, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हम ही ने बना दिए, तीन और क्वेश्चन आपको बनाना है। हाँ भैया बातें समझ में आ गई हमें, कैसे बनाना है, गिनती काउंट करके बनाना है। चलो माइनस चार बाय फाइव है ना, देख लेते अगर होगा तो एक बता देंगे। चलो पहले सब बता देते हैं, इसका पहले बता देते हैं तीन और, ठीक है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, भैया क्या बताने वाले, इसमें समझने वाली कौन सी बात है, ये तो बहुत आसान था, ये बेहद आसान था। यहाँ देखो कैसे बनाना है, माइनस वन बाय थ्री है ना, तो क्या होगा माइनस का माइनस हो गया, वन के बाद टू, थ्री के बाद फोर बस यही काम करना होता है। अब फटाफट क्या करेंगे भैया जी, हमें क्या पूछ रहे हैं, संख्या रेखा खींचेंगे। अब ये जानने का प्रयास करेंगे क्या चार से दो में भाग लग रहा, चार से दो में भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है चार से दो में भाग, इसका मतलब ये माइनस है ना, तो जीरो और माइनस वन के बीच में होने वाला, ठीक। नीचे में चार है, इसको चार बराबर भागों में बांटना, जिसके लिए हमको तीन बार कट करना होगा, एक दो तीन, तीन बार कट कर दिए। ऊपर में है दो, तो हमको दूसरे घर पर जाना है, जीरो को छोड़ के काउंट करेंगे, पहला घर दूसरा घर, यहाँ पहुंच गए, तीर का निशान देंगे, यहाँ पर लिख देंगे माइनस टू बाय फोर, ये तीर का निशान आपको ऊपर पे नहीं देना है, यहाँ देना है मैं समझाने के लिए लिखता हूँ, बस यहाँ ध्यान दो। इसके बाद क्वेश्चन क्या उतारोगे, माइनस टू बाय थ्री, माइनस थ्री बाय फाइव होगा, माइनस थ्री बाय फाइव, ठीक है, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है। चलो फिर से
क्या हो? अरे रे रे रे, पानी का बोतल इधर उधर क्यों भटकता है? हाँ अच्छे चलो, हाँ जी यहाँ देखो, माइनस है, तुमको माइनस की तरफ जाना। पहले ये देखो पांच से तीन में भाग लग रहा या ना लग रहा? पांच से तीन में भाग अर्थात ये जीरो और माइनस वन का बीच में आवेगा। अच्छा जी, ये जीरो और माइनस वन के बीच में आवेगा, ठीक है, अच्छी बात है। नीचे पांच है, इसको पांच बराबर भागों में बांटना है। चलो जी बांटते हैं, अर्थात चार बार कट करना होगा, एक दो तीन और चार, कट कर दिए, ठीक है। यहाँ तीन है ना, अब काउंट करते हैं, तीसरा घर जाना है। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, लक्ष्मी घर, दलदल घर, माइनस थ्री बार मेरा फाइव हो गया। बस यही आपको प्रोसेस अपनाना है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो हम किस प्रकार से बनाते हैं। हाँ जी, अब देखो फिर से मेरे सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को बस निहारना है और ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखो छह से क्या चार में भाग लगता? ना भैया ना, ये दशमलव में लगेगा भाग, ऐसे नहीं लगेगा भाग, अर्थात भाग नहीं लग रहा है। भाग नहीं लग रहा है मतलब हमको जीरो और माइनस वन के बीच में आना है। आवेंगे हमका क्या इसमें करना है, करते हैं। देखो नीचे छह है ना, इसको छह बराबर भागों में बांटना है। इसके लिए हमको इसको पांच बार कट करना होगा, एक दो तीन चार पांच, पांच बार कट कर दिए। अब देखो यहाँ ऊपर में चार है ना, जो चौथा घर होगा वही मेरा लक्ष्मी घर होगा। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर है ना, ये चौथा घर जो है यही मेरा कौन सा घर है, लक्ष्मी का घर है, जहां से हमको क्या मिलने वाला, बहुत सारा धन प्राप्त होने वाला है। देखो यही मेरा माइनस फोर बाय सिक्स है, नहीं नहीं ये लक्ष्मी घोर नहीं, ये सरस्वती का घोर है। ये मेरा माइनस फोर बाय सिक्स हो गया। हाँ जी, बस इस प्रकार हम लोग बनाते हैं। पहले क्वेश्चन का हम चार क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, अब बाकी जितना क्वेश्चन था सबका आप तीन तीन क्वेश्चन और कंप्लीट करोगे, मतलब टोटल चार क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आप मेरे बातों को सीख रहे होंगे। आज का और अंतिम का लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग अभी करने वाले हैं और उसी को करना है, उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर विराम करेंगे, ओके। तो अगर समझ में नहीं आएगा एक बार फिर से मेरे सामने आप कॉपी लेकर के आओगे और पूछोगे, भैया जी ना बनता है, समझा दीजिए, हम आपको समझा देंगे। भैया जी ये क्या बोल रहे हैं आप, कैसे बोल रहे हैं आप, हम सेवन बाय फोर का देख लेते हैं, ठीक है। सेवन बाय फोर का किस प्रकार बनेगा इसको देख लेते, बाकी सारा क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, ओके। अब सेवन बाय फोर देखेंगे तो आप बोलोगे, भैया चार से सात में भाग लग रहा, अगर भाग लगेगा तो भाग यहाँ लगाओ, चार से सात में भाग लगेगा, हाँ लगेगा भैया, चार एकम चार, चार तीन सात। अब इसको हमको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कितना हुआ, एक पूर्णांक तीन बटे चार, एक पूर्णांक तीन बटे चार, ये हम सिखाए हुए हैं किस प्रकार से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। चलो जी अब यहाँ देखो, ठीक है, अब सीखोगे जानोगे पहचानोगे और कोई काम नहीं करना आपको, बस इतना सा ही काम करना है। देखो यहाँ पर अब क्या करना हम लोग को, कि ये वन है ना, ये वन ये दिखा रहा कि आपका ये एक और दो के बीच में आ रहा। अगर आगे मैं मान लो यहाँ दो पूर्णांक दो बटे चार है, तो ये दो क्या दिखाएगा, ये दो और तीन के बीच में आएगा, मतलब दो और तीन के बीच में आने वाला। अगर एक पूर्णांक दो बटे सात है, तो ये एक क्या दिखा रहा, ये एक और दो के बीच में आएगा। तीन पूर्णांक एक बटे चार है, ये तीन क्या दिखा रहा, ये तीन और चार के बीच में आने वाला, मतलब इस बीच में आने वाला, बस वो दिखा था। अच्छा भैया ये तो हम समझ गए, ये किसके किसके बीच में कौन कौन दिखा रहा, ये सब कुछ समझ गए। चलो अब यहाँ ध्यान दोगे, ठीक है, अर्थात ये एक क्या दिखा रहा, एक ये दिखा रहा कि संख्या जो भी है मेरा वो एक और दो के बीच में होगा, मतलब जीरो यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। अब एक और दो के बीच में होगा, दो मेरा यहाँ हो जाएगा, तीन यहाँ हो जाएगा। अब बताओगे ये संख्या कहाँ पर मौजूद है, जीरो एक में या एक दो में या दो तीन में? आप बोलो भैया जय हिंद। अरे आपको बोलना है कि कहाँ बिलोंग करेगा, जीरो एक में या एक दो में या दो तीन में? तो आप बोलोगे भैया यहाँ एक है ना, तो एक से आगे अर्थात एक और दो में बिलोंग करने वाला, ठीक है, मतलब इसमें बिलोंग करेगा। अब बस इसका यही काम था। अब यहाँ चार है, बाकी वही प्रोसेस अपनाना है। चार मतलब चार भाग में बांटना है, तो कितने बार कट करना होगा, या तीन बार, एक दो तीन बार कट कर दिए, ये चार भाग में बट गया। देखो एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, कौन सा भाग लेना है, तीसरा भाग ना, ठीक है, यहाँ से काउंट करोगे, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, तीसरे घर पे आके बोलेंगे लक्ष्मी घर, बस लक्ष्मी घर सरस्वती को। यहाँ पर आके तीर खड़ी कर देना, ये मेरा होगा एक पूर्णांक तीन बटे चार, अर्थात इसको हम लोग कहते हैं सात बटे चार। इस प्रकार बनाना है, इसको आप दस बार बनाओगे, कैसे बनाओगे वो देख लेते, ठीक। इसी का दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार होगा वो देखो, सात के बाद आठ होगा, चार के बाद पांच होगा, हो गया। अब देखो कैसे बनाना है, पहले पांच और आठ को भाग करेंगे, तो पांच एकम पांच, पांच तीन आठ, ठीक। दस बार बनाना है, भूलना नहीं। चलो एक पूर्णांक तीन बटे पांच हो जाएगा, एक पूर्णांक तीन बटे पांच हो जाएगा। संख्या रेखा ड्रॉ किए, हाँ भैया ये एक ये दिखा रहा कि जीरो वन टू थ्री, ये एक दिखा रहा हमको एक से आगे लेना है, अर्थात एक और दो के बीच में बिलोंग करना है। अब फिर ये पांच ये दिखा रहा है, इसको पांच बराबर भाग में बांटना है। पांच भाग में बांटने के लिए चार बार कट करना होगा, एक दो
तीन चार, चार बार कट कर दिए। ऊपर में तीन ये दिखा रहा, तीसरा घोर होगा। हाँ जी, तीसरा घोर पे जाएंगे, पहला घोर, दूसरा घोर, तीसरा घोर, मतलब यहाँ पर आकर के हमको अपने आपको रोक लेना है। एक पूर्णांक 3/5 हो गया, अर्थात 8/5 ये घोर हो गया। बस इतना सा ही काम करना है। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते, 9/6 हो जाएगा। हाँ भैया, 9/6 हो जाएगा। इस तरह करते करते आपको 10 क्वेश्चन बनाना है। 10वां क्वेश्चन बना पाओगे आप? देखते हैं, कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा होगा। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान। अब 9/6 है, संख्या रेखा खींचेंगे, संख्या रेखा खींच लिए, ठीक है, खींच लिए। अब पहले ये देखेंगे, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट तो करो। 6 से 9 में भाग लगेगा, हाँ लगेगा, लगेगा तो लगाएंगे। 6 एकम 6 तो क्या हो गया, ये भी क्या हुआ, कहाँ कुछ हुआ, मतलब इसको लिखना होगा 1/3/6, 1/3/6। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व। 0 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3। हमको पता है कि 1 और 2 के बीच में जो है कट करना होगा, इसी कारण 1 और 2 को हम ज्यादा ले लिए। ठीक है, कुछ अपना बिजनेस माइंडेड यूज करते हुए ये 1 दिखा रहा कि 1 और 2 के बीच में आने वाला। तो भैया ये तो मुझे नहीं पता था। अगेन यहाँ पर 6 है ना, इसको 6 बार कट करना होगा। अब कहाँ ही कर रहे, अब क्या ही करना है, इसको 6 बार कट करना है, 5 पे 6 बराबर भाग में बांटना है, तो 5 बार कट करना होगा। 1, 2, 3, 4, 5 5 बार कट कर दिए। ऊपर में है 3, हमको तीसरा घर जाना है, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, यहाँ पर पहुंच करके बल ले करना है। 1/3/6, अर्थात ये 9/6 हो गया। मेरे ख्याल से आप मेरे बातों को ठीक से समझ पा रहे हो। अब आपको इसके आगे का सफर खुद से तय करना है। हमने आपको राह बता दिया, हमने आपको मैथड बता दिया, अब आपको यहाँ से जो है आगे का सफर खुद से तय करना है। नहीं समझ में आएगा, मैं हूँ, घबराना मत। चलो जी, यहाँ पर जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, यही आपका क्विज का क्वेश्चन है, जिसमें मैं 3 और क्वेश्चन ऐड करने वाला। इसको पहले आप 10 बार बनाओगे। हाँ जी, 10 बार बनाना है, घबराना नहीं है, पहले 10 बार बनाओगे। सवाल से लड़ना सीखो, हार नहीं मानना है किसी भी कीमत पर। अब हार मान जाओगे तो फिर उम्मीद छोड़ देना क्लास 8 का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। इसको 10 बार बनाओ तब कुछ हो पाएगा, कुछ सीख पाओगे। ये नंबर लाइन जो है ना, हाँ जी, ये नंबर लाइन जो है इसको सीखना है आपको, और संख्या रेखा को दर्शाने सीखना है। हमने अपनी तरफ से पुरजोर प्रयास किया। अब भैया दशमलव वाला नहीं सीखा है, कोई बात नहीं, दशमलव का इसी तरह आपका दशमलव वाला ही बनेगा। अगर मान लो 1.2 दे दिया गया, दशमलव उड़ाएंगे 12/10 हो जाएगा। अब 10 से भाग लगाएंगे, 12 बार में 1, 10, यहाँ 2 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 2/10। अब इसको आप दर्शा सकते हैं दशमलव वाले को भी, दशमलव वाला भी इसी तरह बनेगा। चीज छोड़ दिए, इग्नोर कर दिए इसको, बस ये मेथड ध्यान में रखना। दशमलव हटाएंगे तो 12/10 होगा, 10 से 12 में भाग लगाएंगे, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और इसको आपको दर्शाने आता ही है, तो आराम से दशमलव वाला भी बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो कृपया करके हर एक चीज को आपको समझते चलना है। हाँ भैया, वैसे हम तो हर एक चीज बताते जा रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखोगे और सीखने का प्रयास करोगे, गुना दे देना आपको, 2/7 × 7/14। इस पे 5 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। कैसे बनाओगे, सबका गिनती पढ़ना होता है। कैसे, हम क्वेश्चन लिख देते हैं इसका, कैसे बनाओगे इसका। पहला क्वेश्चन तो दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, 3/8 × 8/15। तीसरा क्वेश्चन 3/4 × 9 × 9/16। चौथा क्वेश्चन 5/10 × 10/17। पांचवा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ही कह देना, हाँ, 6/11 × 11/18। बस इस प्रकार आपको जो है इसका 5 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अगेन 9/8 × 8/3। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका भी आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करोगे वो देखो, इसका 5 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, 10/9 × 9/4। दूसरा क्वेश्चन 11/10 × 10/5। इस तरह करते हुए आपको जो है 5 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। एक लास्ट क्वेश्चन 10/3 × 2/3। इसको सॉल्व करोगे, इसका भी आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट करना। आराम से आपके सामने 5 ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करोगे, बनाओगे, 5 में 5 मार्क्स आपको लाना है। थोड़ा सा इसको बनाने में आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए, आप आराम से बनाओगे। गुना भाग क्लियर करना है आपको। ठीक है, मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को ठीक से समझ पा रहे हो, जान पा रहे हो और बनाओगे ठीक से। चलो जी, आज के लिए इतना ही रखते, और बस मेहनत करो आप, और क्या ही कहें, बस मेहनत करो। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में।